नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज का हमारा कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें ट्रांसफार्मर चूज़ करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए। और दोस्तों एक मेरे व्यूअर फ्रेंड ने पूछा है कि सर ट्रांसफार्मर के ऊपर जैसे ये देख रहे हैं आप 1212, किसी पर 909, किसी पर 606 लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड इन दोनों बातों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों देखिए 1212 या 909 या 606 का ये मतलब होता है, ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं एक तरफ तो दो वायर होती है और एक तरफ तीन वायर होती है। तो दोस्तों जिधर तीन वायर होगी वो हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन का मतलब होता है इसमें दो तरह की वोल्टेज आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जा सकते हो और ज़्यादा से कम भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो 1212 का मतलब होता है अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए तो 12 और 0 वाला आपको वायर यूज़ करना पड़ेगा, यानी आप ये देख रहे हैं तीन वायर, इनमें से पहला तो ये 12 वोल्ट, यानी पहला और बीच वाला आप ये वायर लेंगे तो आपको 12 वोल्ट मिलेगा। ये हमेशा कॉमन होता है, यानी ये जीरो होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 24 वोल्ट चाहिए तो ये आप 24 वोल्ट भी ले सकते हैं, तो आपको पहला और लास्ट वाला वायर यूज़ करना पड़ेगा, बीच वाला छोड़ना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। ये आप दोनों यूज़ करेंगे तो आपको 24 वोल्ट मिलेगा 12 और 12। लेकिन अगर आपको 12 वोल्ट ही चाहिए तो आप पहला और बीच वाला यूज़ करेंगे, इस लास्ट वाले को छोड़ देंगे इस तरह से। तो दोस्तों सभी में यही तरीका होता है। यहाँ पे ये 1212 का है और दूसरा ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये 909 का है, ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक सप्लाई है 9 वोल्ट का सप्लाई है, तो ये मैंने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मैंने जो वायर यूज़ किया था, इसमें मैंने एक तो पहला वायर ये नीला वाला यूज़ किया हुआ है और एक वायर मैंने बीच का यूज़ किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं ये ऐसे घूम करके यहाँ पर जा रहा है, तो इसका मतलब है 9 और 0 मैंने यूज़ किया हुआ है 9 वोल्ट। अगर मैं 18 वोल्ट की सप्लाई बनाता तो मैं इसका ये पहला और ये दूसरा वायर यूज़ करता। आप देख सकते ये कटा हुआ है, तो मैंने पहला वायर और बीच का ही मैंने यूज़ किया, यानी 9 वोल्ट मैंने यूज़ किया। तो दोस्तों 1212 या 606 या 909 का यही मतलब होता है कि आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे तो आप 6 वोल्ट ले लीजिए, चाहे आप 12 वोल्ट ले लीजिए। अगर आप 12 वोल्ट ले रहे हैं तो 12 और 0 वाला यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप 24 वोल्ट ले रहे हैं तो आप 12 और 12, यानी पहला वायर और दूसरा वायर, लास्ट वाला वायर आप यूज़ कीजिए। और 12 वोल्ट के लिए आप पहला वायर और बीच वाला वायर यूज़ कीजिए, और ये वाला वायर होता है इनपुट का। तो दोस्तों इसी तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि आपको एम्पियर्स का कैसे पता लगे। तो वैसे दोस्तों जनरली ट्रांसफार्मर के ऊपर ही लिखा रहता है कि कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1212 2 एम्पियर, ठीक है। लेकिन छोटे ट्रांसफार्मर, कुछ इस साइज़ के ट्रांसफार्मर पे ज़्यादातर पे नहीं लिखा रहता। तो दोस्तों इनको आपको बोलना पड़ेगा कि सर हमें ये मोस्टली दोस्तों आते हैं 500 मिली एम्पियर के, 300 मिली एम्पियर के, 250 मिली एम्पियर के। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर मेरे पास है ये 350 मिली एम्पियर का है। तो दोस्तों बेसिकली आपको शॉपकीपर को बताना पड़ेगा कि सर हमें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए, तो वो उतने ही एम्पियर का आपको ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करा देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कौन सी वैल्यू का कहाँ पे लगाना चाहिए। और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी के माध्यम से आप सही ट्रांसफार्मर का चूज़ करोगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।